फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट लिटिल गार्डन। ये देखिए, आज बहुत ही खूबसूरत से प्लांट के बारे में हम जानकारी लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, ये देखिए, ये है पिंक जैकोबिना। ये बहुत ही रेयर होता है और उसके साथ जो है एक्सोटिक भी है और बहुत ही खूबसूरत भी होता है। उसी के साथ दोस्तों, ये देखिएगा पिंक फ्लावर्स जो हाल ही में मैंने परचेस किया है, परचेसिंग वीडियो में डाल दूंगी। तो चलिए जानते हैं इस प्लांट के बारे में। इस प्लांट को जो है एक्लिपा हिस्पीडा कहा जाता है। अदर एक्लिपा प्लांट जो है उसके लीव्स कई कलर्स में आते हैं, ढेर सारे कलर में उसे लगाया जाता है सिर्फ कलर्स उसके लीव्स के लिए। लेकिन ये जो प्लांट है इसे इसके इन्फ्लोरेसेंस के लिए लगाया जाता है। इसे जो है मंकी टेल भी कहा जाता है। इसकी और एक वैरायटी होती है जो हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए सूटेबल होती है, उसे जो है कैट्स टेल कहा जाता है। और इसे मंकी टेल कटिंग से ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाती है। देखिए, मैंने दो कटिंग इसकी बनाई हुई है। इसको जो है ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं। पॉट जो है इसके आप साइज़ के अनुसार दीजिएगा, 7 इंच टू 12 इंच तक का पॉट आप इसे दे सकते हैं। मिट्टी किसी भी टाइप की मिट्टी में ये चल जाता है, और कंपोस्ट अगर ना भी डाले तो भी ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर लेता है। और उसके साथ दोस्तों, इसे सेमी शेड में रखते ही जाइएगा। थोड़ा सा मिलीबग का इसमें अटैक हो जाता है दोस्तों, तो आप कभी कभार जो है अगर आपके गार्डन में कोई इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड स्प्रे करते हैं तो इस पर भी स्प्रे कर दीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं। विंटर में इसे फुल सन में रख सकते हैं और समर में ज़्यादा धूप से इसे बचा लीजिएगा। मानसून में ये हर हमेशा फ्लावरिंग तो करता ही रहता है, लेकिन विंटर में जो है इसमें थोड़ी सी फ्लावरिंग जो है कम हो जाती है। और दोस्तों, साल भर हमारे पास ये बना रहता है। लो केयर लो मेंटेनेंस प्लांट है, और छोटी छोटी इसकी कटिंग भी लग जाती है। पानी में भी इसकी कटिंग चल जाती है। और जो है दोस्तों, ये प्लांट बहुत ही हार्डी होता है और बच्चों को तो ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। ये प्लांट कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगता, तो इसलिए दोस्तों आपके गार्डन में इस खूबसूरत से प्लांट को लगा दीजिएगा और इसकी ब्यूटी जो है इंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा मेरा गार्डन दिखने लगा है। ढेर सारे फूल जो है हर रोज़ खिलने लगे हैं। वीडियो के लिए मेरे पास ज़्यादा उतना टाइम नहीं रहता दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ कि वीडियो बनाती रहूँ, आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूँ। तो दोस्तों, इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा। और जो है दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।